नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर यूपी के अमरोहा जनपद से है, जहां थाना नौगावा सादात इलाके में जमीन देखने जा रहे तीन युवकों का अपहरण करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपियों ने अपने कुछ अन्य साथी के साथ मिलकर तीन युवकों का अपहरण कर लिया था। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव निवासी अंसार पुत्र फुरकान, उस्मान पुत्र नजीर हसन व दौलतपुर निवासी सलमान पुत्र तुलवा जमीन देखने के लिए बुढ़नपुर जा रहे थे कि बुढ़नपुर के जंगल में जनपद के डिडोली कोतवाली के 7-8 अज्ञात बदमाशों ने तीनों युवकों का अपहरण कर लिया था, जिसमें अंसार बदमाशों को चकमा देकर भाग निकला था और तुरंत पुलिस को अवगत कराया गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से डिडोली थाना के गांव निवासी अमित, रोहित, हिजबुल व अंसार को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जहां कुछ बदमाश भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही से एक तमंचा, 315 बोर, 3 नाजायज चाकू को बरामद किया। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है। डिडोली थाना क्षेत्र में एक 364 IPC का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें आरोप था कि बुढ़नपुर के जंगल में 7-8 व्यक्तियों ने हथियार के बल पर उसका अपहरण कर लिया है। इस सूचना पर हमारी टीम रवाना हुई और जो भी घटना में लिप्त थे उन व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई। चार गिरफ्तार हुए और जिनका अपहरण हुआ था उनकी बरामदगी हुई। उनके पास से एक देसी कट्टा बरामद हुआ है तथा चाकू बरामद हुए हैं। विवेचना की जा रही है। इनका उद्देश्य क्या था सर? इनका उद्देश्य ये था कि कुछ लेन देन का मामला था और उस पैसे को लेने के लिए इन्होंने योजना बनाई थी कि हम आपस में आधा आधा बांट लेंगे, इसी को लेकर अपहरण किया गया था। गजरौला से प्राइम न्यूज 24 के लिए काविंदर सिंह की रिपोर्ट।